नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। खबर यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर है। आपको बताएं कि यूपी में कुल 7 चरणों में वोटिंग होने थे, ऐसे में आज यूपी में अंतिम चरण की वोटिंग की जा रही है। सुबह से ही जो लोग हैं वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में बता दें कि आज यूपी में कुल 54 सीटों पर वोटिंग की जा रही है और किस्मत जो है वो दांव पर लगा हुआ है। बात अगर हम करें तो 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और आज यूपी में अंतिम चरण की वोटिंग की जा रही है। ऐसे में जो उत्सुकता है लोगों में वो भी खासा देखने को मिल रही है, क्योंकि 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और ये तय हो जाएगा कि आखिर यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ऐसे में आपको बताएं कि आज ये अंतिम चरण की वोटिंग की जा रही है, जिसमें कुल 54 सीटों पर वोटिंग होनी है। इसके साथ ही यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में वाराणसी समेत 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट किए जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ल ने बताया है कि इस चरण में 613 उम्मीदवार मैदान में है। शांतिपूर्ण मतदान के लिए 845 कंपनी केंद्रीय पुलिस बल लगाए गए हैं। नक्सल प्रभावित चंदौली और सोनभद्र की 3 सीटों पर सुबह 7 से शाम 4 बजे तक वोट पड़ेंगे। गौरतलब हो कि वाराणसी, आजमगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, रॉबर्ट्सगंज, भदोही, चंदौली, मऊ और जौनपुर जिले में मतदान होना है। तो बता दें कि आज ये अंतिम चरण की वोटिंग यूपी में की जा रही है, जिसके बाद 10 मार्च को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। ऐसे में अगर हम बात करें तो इस बार का यूपी चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। दिलचस्प इस मामले में भी, क्योंकि यहां कई सारे फेरबदल जो है वो देखने को मिले। कुछ भाजपा के लोग सपा में चले गए तो वहीं सपा के कुछ लोग ने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में इस बार के जो नतीजे आएंगे वो भी चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यूपी चुनाव को लेकर इस बार सभी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जीत के दावे भी हर एक राजनीतिक दलों की तरफ से किए जा रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो जहां एक तरफ यूपी में बीजेपी के सरकार को एक बार फिर से बनने के जो दावे हैं वो बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, तो वहीं इस बार बीजेपी को उखाड़ कर फेंकने की बात सपा की तरफ से कही जा रही है। ऐसे में आज यूपी में अंतिम चरण की ये जो वोटिंग है वो सुबह से देखने को मिल रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज कितने आते हैं, कितने लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचते हैं, ये कुल वोटिंग होने के बाद साफ हो पाएगा। लेकिन बात अगर हम करें तो चूंकि आज अंतिम चरण की जो वोटिंग है वो यूपी में की जा रही है, इसको लेकर उत्साह लोगों में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि यूपी के जो नतीजे 10 मार्च को आने वाले हैं, इस पर हर किसी की निगाहें भी टिकी हुई है, क्योंकि ये दिन बेहद खास और बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसे में आज जो है वो 54 सीटों पर वोटिंग की जा रही है, जिसको लेकर सुरक्षा के भी तमाम जो इंतजाम है वो किए गए हैं। मतदान केंद्र पर कोई गड़बड़ी ना हो, इसको लेकर भी पुलिस बल की तैनाती वहां पर की गई है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो सके, इसको लेकर जगह जगह पर जो पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। ऐसे में आज अंतिम चरण की ये वोटिंग यूपी में की जा रही है, जिसके बाद 10 मार्च को ये साफ हो जाएगा कि यूपी का मुख्यमंत्री कौन बनता है। फिलहाल के इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।